राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज भारतीय युवक संघ बकरी बाजार रांची द्वारा निर्मित पंडाल जाकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की एवं सभी के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह पर्व इस बात का भी द्योतक है कि हमारी संस्कृति में नारी के प्रति सम्मान का भाव सदियों से है और उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माननीय राज्यपाल ने कहा कि हमारे देश में विविधता में एकता है, हमारी भाषा अलग अलग है लेकिन हम एक है और एक रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस पंडाल के थीम से हमें संदेश मिलता है कि बुराई का उन्मूलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का भी नाश होना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल ने ओसीसी क्लब एंड पूजा कमेटी बंगला स्कूल लेन रांची जाकर माँ दुर्गा का दर्शन किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। आध्यात्मिकता हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इस पर्व के माध्यम से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। यह पर्व हमें आपसी एकता और सद्भाव की भावना को सुदृढ़ करने तथा अन्याय के विरुद्ध लड़ने का संदेश देता है। उन्होंने पंडाल निर्माण के लिए समिति के सदस्यों एवं कलाकारों को प्रति आभार प्रकट किया है और कहा कि माँ दुर्गा हमें जीवन की चुनौतियों को साहस के साथ सामना करने की शक्ति प्रदान करे तथा देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।